34 साल पुरानी 1986 की शिक्षा नीति में मोदी सरकार ने एक बड़े बदलाव का लिया फैसला। जी हाँ, इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा समिति के सुझावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति जो 2020 नई शिक्षा नीति के नाम से जानी जाएगी, इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक सरकार ने किया बहुत बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर हम स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में किए गए बदलावों को सिलसिलेवार देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं स्कूली शिक्षा में क्या क्या बदलाव किया गया। स्कूली शिक्षा जो अभी तक 10+2 पुरानी पद्धति पर आधारित थी, जो 34 साल पुरानी जो नीति थी शिक्षा की 10+2 की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जी हाँ, अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में 15 वर्ष की स्कूली शिक्षा को लागू किया गया, जिसमें जो पहले 5 वर्ष हैं जो फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों का दाखिला होगा, जिसके अंतर्गत जो शुरू के 3 साल होंगे वो प्री प्राइमरी शिक्षा प्रणाली होगी, जो अभी तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन मुहैया नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर 3 साल शुरुआत के प्री प्राइमरी के होंगे, जो आंगनवाड़ी शिक्षा पद्धति पर आधारित होंगी, और अगले 2 साल जो होंगे इस 5 वर्ष के, उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 ये होंगे जो फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट में आएंगे, और जो +3 होगा अगला +3, उसमें फाउंडेशन स्टेज सेकंड होगा, इसमें कक्षा 3, कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की जो है 8 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। इसी स्टेज में बच्चों को इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद +3 का जो है स्टेज आएगा, जो मिडिल स्टेज होगा, इसमें जो है कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा, जिसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। इसमें प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ में बच्चों को कंप्यूटर एप्स बनाने और कोडिंग करने जैसी तमाम शिक्षाएं दी जाएंगी, जैसा कि हम चीन और जापान के बच्चों में देखते हैं कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बच्चों को इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। इंटर्नशिप में ये होता है कि बच्चे जो है, अगर किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है बच्चे की, अगर बच्चा मान ले ड्राइंग में जो है अच्छा कार्य कर रहा है या कारपेंट्री में उसको शौक है, तो उसी दौरान बच्चों को स्थानीय स्तर पर किसी जो है व्यवसाय में जा करके और व्यवसायिक शिक्षा ले सकता है, और उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी एज ए सब्जेक्ट के रूप में। फिर अगले जो 4 साल का जो समय है वो सेकेंडरी स्टेज होगा, इसमें कक्षा 9 से लेकर के और कक्षा 12 तक 4 वर्षों का समय होगा, जिसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चों का जो है दाखिला लिया जाएगा। यहाँ पर अब बच्चों को जो है विषय चयन की आज़ादी होगी। अभी तक क्या होता था कि बच्चा हाई स्कूल के बाद, 10th के बाद जब +2 में जाता था, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पर स्ट्रीम्स बटी होती थी, साइंस साइड, आर्ट साइड और जो है कॉमर्स। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे को जो है एक सब्जेक्ट पूल बनाया जाएगा, उस पूल के माध्यम से बच्चे जो है अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि साइंस का बच्चा आर्ट्स के विषय भी ले सकता है, यानी कि अगर बच्चा मैथ के साथ में भूगोल पढ़ना चाहता है तो भूगोल इतिहास भी मैथ के साथ पढ़ सकता है या कॉमर्स भी पढ़ सकता है। ये बहुत शानदार चीज़ है। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा, यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो है पॉलिसी लाई गई है, मतलब कि अभी तक बच्चे जो है अगर ग्रेजुएशन कर रहे होते थे तो उसमें क्या होता था कि अगर मान लेते हैं किसी कारणवश बच्चे को बीच में ही ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ा 1 साल या 2 साल करके, तो अगर उसको जो है डिग्री नहीं मिलती थी, यानी कुछ भी नहीं, उसका जो है क्रेडिट नहीं होता था। लेकिन अब बच्चा जो है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी के तहत बच्चे को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें अगर बच्चा मान ले ग्रेजुएशन कर रहा है और पहले साल ही करके वो ग्रेजुएशन छोड़ देता है, तो उसको जो है पहले साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल अगर कोर्स कर लेता है तो उसके लिए उसके डिप्लोमा मिलेगी, और अगर पूरा कोर्स कर लेता है तो उसे डिग्री मिलेगी। तो इस तरीके से इसे क्रेडिट ट्रांसफ़र के रूप में इस व्यवस्था को जाना जाता है, यानी बच्चे का हर वर्ष की शिक्षा को क्रेडिट स्कोर के रूप में रखा जाएगा, जो कि एक डाटा बनाया जाएगा, ऑनलाइन डाटा, उसमें फीडिंग होगी, यानी बच्चा अगर अपने किसी भी साल का कोर्स पूरा किया है तो उस कोर्स को जो है फीड कर दिया जाएगा, और बच्चा कहीं भी जाएगा इंटरव्यू में तो उस बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो ग्रेजुएशन का स्तर किया गया है, वैसे साधारण बच्चे जो नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन 3 साल का होगा, लेकिन अगर उच्च शिक्षा के लिए यानी रिसर्च के लिए बच्चा पढ़ रहा है
तो उसके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का किया गया है। और इसमें 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर बच्चा पीजी करता है तो सिर्फ 1 साल का पीजी होगा, और इसके साथ में अगर रिसर्च करता है आगे जा करके तो वो रिसर्च 4 साल में उसकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर एमफिल की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ भी विषयों को चुनने की आज़ादी है। अब बच्चा जो है आर्ट साइड के विषय के साथ साथ साइंस का विषय भी पढ़ सकता है, कॉमर्स का भी पढ़ सकता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अब स्पेशलाइजेशन कर दिया जा रहा है। बच्चे की जो है रुचि के अनुसार स्पेशलाइजेशन विषयों का किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ और बदलाव किए गए हैं। जैसा कि अभी शिक्षा को देखने वाले मंत्रालय जो था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री जो थी, उसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके अलावा अभी शिक्षा पर GDP का 4% जो है खर्च होता था, अब GDP को बढ़ा करके शिक्षा पर 6% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हमारी जो है शिक्षा प्रणाली पर की गई नई शिक्षा नीति में जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने देखा। अब यहाँ पर हम इसके फायदे और इसके नुकसान यानी ड्रॉबैक्स पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर नई शिक्षा नीति के फायदे की बात करें तो यहाँ पर चूंकि जो है मिडिल क्लास पे ही 6th, 7th, 8th के बच्चों से ही जो है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, इसलिए अब हो सकता है अगर ये शिक्षा नीति लागू हो जाए अच्छी तरीके से तो बेरोजगारी की दर घटेगी, यानी बच्चा अब जो है अपना व्यवसाय स्वयं चला सकता है, ऐसी शिक्षा प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में पाठ्यक्रम को भी छोटा किया गया है, इसके कारण बच्चों पर जो है पढ़ाई का बोझ जो प्रेशर था वो कम होगा। और इसके अलावा स्मार्ट स्टडी और ऑनलाइन पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को मल्टीपल लर्निंग की व्यवस्था होगी, बच्चों की स्किल डेवलप होगी ई लर्निंग से। और पढ़ाई पर अब रटने की व्यवस्था को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, अब संरचनात्मक संकल्पनात्मक पढ़ाई होगी, जिस पर जो है बच्चों को जो है कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों का एनालिटिकल पावर जो है स्किल डेवलप होगा। और इसके साथ इसके अलावा जो है 5वीं तक की पढ़ाई जो है मातृभाषा में करने पर फोकस किया जाएगा, इसका फ़ायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पूरा पूरा मिलने वाला है। अगर हम इसके नुकसान की तरफ जाएं तो यहाँ पर देखिए, ये हिंदुस्तान है, 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो ये हमें जो है ये शिक्षा नीति हमें पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल लग रही है, हाइपोथेटिकल दिखाई दे रही है। देखते हैं सरकार जो है किस मतलब कितना फोकस करती है शिक्षा नीति को लागू करने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं। हमने जो है देखा कि विविधताओं में जो है सांस्कृतिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, तमाम प्रकार की विविधताएं हैं हिंदुस्तान में, तो ये शिक्षा नीति कुछ थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लग रही है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तो आप सबको पता ही है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, संसाधनों की कमी है, तो इन सब को देखते हुए इन शिक्षा प्रणाली को प्राइवेट स्कूल तो लागू कर ले जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों में जहाँ पर हमारे ज़्यादातर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर ये व्यवस्था लागू कर पाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर दिखाई देती है। और इसके अलावा अभी शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं है, ज़्यादा कम से मतलब शिक्षकों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा पा रहा है। तो देखते हैं अगले सत्र 2021-22 से इसको लागू करने का जो है अमली इसको धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये जो है सरकार ने यानी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, अब ये जाएगा जो है लोकसभा और राज्यसभा में, इस पर चर्चा होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ये पूरी तरीके से जो है ये कानून बन जाएगा। तो देखते हैं धरातल पर किस तरीके से ये लागू हो पाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।